पीथमपुर का सागौर ग्राम आज वंदे मातरम भारत माता की जय घोष के गूंज उठा। संपूर्ण नगर क्षेत्र में प्रेम और भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी का भव्य सम्मान समारोह नई पीढ़ियों की सुंदर सोच और राष्ट्रीय भक्ति को दर्शाता है। आज युवाओं के द्वारा सागौर नगर के एसीपी हवलदार कुलदीप वाजपेयी के भारतीय आर्मी से 17 वर्ष 7 दिन पूर्ण कर रिटायर होकर नगर में इतना भव्य एवं दिव्य स्वागत होगा, ये किसी ने सोचा न होगा। कुलदीप के बचपन में मित्रों ने कुलदीप के नगर आगमन पर नीलकंठ मंदिर परिसर से शुरू होकर बस स्टैंड तक का सफर देश प्रेम और इंडियन आर्मी के प्रति लोगों की सुंदर छवि को दर्शाता है। इस प्रकार का स्वागत वंदन अभिनंदन नगर में पहली बार किसी के लिए हुआ। सर्व समाज के लोगों ने रिटायर फौजी का जगह जगह पुष्प गुच्छ एवं माला द्वारा स्वागत किया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जय हिंद। सबसे पहले सभी सागरवासियों को प्रणाम करता हूँ। मैं 19 साल 121 दिन में भारतीय सेना मिलिट्री और हेडक्वार्टर ऑफ वार से कमीशन लिया। मैंने 17 साल 7 दिन मैं अपनी जॉब करके भारतीय सेना में सागौर क्षेत्र मेरी जन्मभूमि में पहुंचा हूं, जिसमें मैंने बिहार, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लद्दाख जैसे एरियों में अपनी सेवाएं प्रदान की और साथ ही जैसलमेर जैसी बॉर्डर से मैंने इसको फिनिश करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप युवाओं को इस विषय में क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं युवाओं को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि जिस तरह देश प्रेम की भावना मुझे दिखाई दी अपने क्षेत्र में और आज आप मेरा इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी तरह से मैं ये भावना प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आप भारतीय सेना में जाकर अपने गाँव का सर्वप्रथम गाँव से फिर राज्य और राष्ट्र से देश का नाम ऊँचा करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? हमेशा तत्पर रहूँगा। आपका नाम? मैं कुलजी वाजपेयी, पिता श्री अरुण कुमार वाजपेयी, सागौर बस स्टैंड से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।